कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज की फिजिक्स फाउंडेशन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोस्ट थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स, साथ ही साथ हम उनके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स जो मैंने ये न्यूमेरिकल हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो एग्जाम में आ चुके हैं, साथ ही साथ इस बार आने के भी उनके चांसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इजी न्यूमेरिकल है उनको मैंने इस क्लास में शामिल नहीं किया है क्योंकि आप आराम से बुक में पढ़ के या यदि आपने हमारे सारी क्लासेस अटेंड किए तो आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो गए होंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप वो न्यूमेरिकल्स कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स यदि कुछ रह जाते हैं तो जब हम रिविजन करेंगे पूरी बुक कंप्लीट होने के बाद में तब हम उन न्यूमेरिकल्स को भी साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को केयरफुली देखना क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका फ्रेंड कोई जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है तो यही क्लास इंग्लिश में भी लगती है, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको आप उस क्लास से जोड़ सकते हैं, उस क्लास से उसको वही जो है नॉलेज मिलने वाला है जो हम हिंदी में हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो स्टूडेंट्स आइए गौर करते हैं, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एकताले गोले पर 5 माइक्रो कूलाम आवेश उपस्थित है। ठीक है, कितना कूलाम है? 5 माइक्रो कूलाम। गोले के केंद्र पर r बराबर 8 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर और 20 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। सबसे पहले पता करो गोला कौन सा है, एकतालक। तो एकतालक कैसा होता है? ऐसे जिसके अंदर चार्ज अंदर भरा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम चार्ज इसको देते हैं अंदर तो ये सरफेस को फेल नहीं पाता क्योंकि जो है आवेश जो है वो चालन नहीं करते अचालकों उचालकों में। ठीक है, तो देखो कहां कहां पता करना है, केंद्र पर त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, केंद्र जो है वो अंदर आएगा सरफेस के अंदर, और सरफेस के अंदर के लिए फॉर्मूला होता है क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपको सेंटर पे चाहिए, सेंटर मतलब आपने आर डिस्टेंस तो चले ही नहीं, हमको तो यही चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट पर। जब आप चले ही नहीं तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो चाहे स्पेयर कोई सा ही हो, गोला कोई सा ही हो, चालक हो या अचालक हो, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र हमेशा ही जीरो आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कितने सेंटीमीटर पर, 8 सेंटीमीटर पर चाहिए हमें। 8 सेंटीमीटर मतलब ये आता है सरफेस के अंदर क्योंकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तो अंदर ही आ गया बोलेंगे, तो अंदर आ गए तो उसके लिए फिर यही फॉर्मूला लगेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्योंकि वैल्यू कितनी है 0.5 माइक्रो कूलाम, तो 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 6, माइक्रो की वैल्यू 10 की घात माइनस 6 होती है। 8 कितनी दूरी है, 8 सेंटीमीटर मतलब 8 इंटू 10 की घात माइनस 6 2। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब बच गया आर क्यू, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 और सेंटीमीटर को मैंने क्यूब में मतलब मीटर में बदल दिया तो 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर दिया है और यहाँ क्यूब है तो मैंने यहाँ पे क्यूब लगा दिया है। अब देखो सॉल्व करते हैं, 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 9 इंटू 10 टू पावर 9, 10 का जो क्यूब है वो 1000 होता है और 10 की घात माइनस 2 जो उसका क्यूब 10 की घात माइनस 6 होता है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो मैं आपको मेथड बता देता हूं। सबसे पहले आप पॉइंट कटाओ, जैसे यहां से पॉइंट कटाओगे पॉइंट के बाद में एक की संख्या है इसलिए 10। सबसे पहले घातों को इकट्ठी करो, 10 की घात 3 है और 1 है, 10 की घात 4 हो गई है, यहां माइनस के 6, माइनस के 6 में 4 जोड़ोगे आप तो माइनस के 2 आएंगे, माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 आएंगे, प्लस के 2 आएंगे तो 9 साथ में जुड़ जाएंगे तो 11 हो जाएंगे, प्लस के 11 में से माइनस के 2 चले गए तो कितने बचे, माइनस के प्लस के 9, 9 में से भी 6 चले गए तो कितने बचे, प्लस के 5, तो 10 की घात बच गई है प्लस के 5। ठीक है, अब संख्या का बात करते हैं, 9 8 और 5 बचा है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 72 आते हैं, 72 72 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आते हैं आपके पास 360। तो इतना जो है वो आपके पास विद्युत क्षेत्र आएगा कितने, 8 सेंटीमीटर पे। अब थर्ड क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर पे पता करना है, 10 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या है तो इसका मतलब जो आवेश पता करना है वो आपको सरफेस पर पता करना है, पृष्ठ पर पता करना है, और पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू दे रखा है आपको 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 6, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9,
ये मैंने कॉन्सेप्चुअल जो क्लास हमारी थ्योरी वाली वहां सब कुछ बता रखा है, तो आप पहले उस क्लासों को देखो, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल निकालना आएगा, ठीक है। त्रिज्या जो 10 सेंटीमीटर है, 10 × 10⁻²² तो देखिए 0.5 × 10⁻⁶, 9 × 10⁹, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 10⁻²− का माइनस के 4 जाते हैं। पहले पॉइंट हटाओ तो यहाँ एक और 10 आ जाएगा, ठीक है। देखो दो और एक जीरो मिलके 3 होते हैं, मतलब 10³, यहाँ माइनस 4 है, मतलब 10⁻¹, माइनस 1 ऊपर गया तो प्लस 1, प्लस 1 में से 9 है, बच गए प्लस के 10, प्लस के 10 में से 6 चला गया तो बच गए प्लस के 4। कहते हो गति 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएंगे, तो वोल्ट पर मीटर ये इसका जो है विद्युत क्षेत्र आएगा कहां पर, सरफेस पर। अब है कहां पर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी पृष्ठ के बाहर, तो r बराबर 20 सेंटीमीटर मतलब पृष्ठ के बाहर, तो पृष्ठ के बाहर के लिए फॉर्मूला होता है q/4πε₀r², q की वैल्यू 0.5 × 10⁻¹, 1/4πε₀ की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब बच गया आर, आर यानी दूरी, दूरी हमें देता है 20 सेंटीमीटर। मैंने अलग अलग लिया, देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर, पृष्ठ के लिए कैपिटल आर आता है और पृष्ठ के बाहर वाले के लिए स्मॉल आर आता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी 10 × 10⁻²। तो देखो 0.5 दूरी, अब यहाँ पे 10 नहीं ले सकते, दूरी 20 है तो यहाँ पे हमें 20 लेना पड़ेगा, ठीक है। 0.5 × 10⁻¹, 9 × 10⁹, 20 का जो स्क्वायर है वो होता है 400 और 10⁻²² का स्क्वायर होता है 10⁻⁴, ठीक है। अब देखो दो जीरो इसके पास है, एक पॉइंट हटाऊंगा, एक और जीरो आ जाएगा तो 3 जीरो हो गए, 10³ हो गए प्लस के, प्लस के 3 में माइनस के 4 जब एड करते हो तो माइनस का 1 आता है, ठीक है। माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1, प्लस 1 इस 9 में जुड़ेंगे तो प्लस 10, 10 में से आपके 6 चले गए तो बच गया आपके पास 10⁴। ऊपर बच गया 9, 5, 45, नीचे बच गया 4, 45 में 4 का भाग दोगे तो 1144 होते हैं, 1 बचता है 10.25 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। चालक गोले से रिलेटेड डेरिवेशन, ग्राफ, न्यूमेरिकल या चालक गोले से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार तो दो दो तीन तीन साल तक रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो आप जो है वो है आराम से देखना और केयरफुली कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, साबुन का बुलबुला है और उस पर सिग्मा कितना दे रखा है हमें, 2.96 × 10⁻¹, माइक्रो यानी 10⁻¹, ध्यान रखना म्यू बोलते हैं इसको, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, गुलाम पर मीटर स्क्वायर। और आपको पृष्ठ तनाव भी दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर 4 × 10⁻¹⁴ न्यूटन पर मीटर। बुलबुले की त्रिज्या क्या करनी है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था साबुन के बुलबुले का संतुलन, वहां पे मैंने त्रिज्या का फॉर्मूला गिरा भी किया था और वो फॉर्मूला था 8T εr² सॉरी सिग्मा स्क्वायर। तो आर फिर गया, टी कितना है आपका तनाव 4.4 × 10⁻¹, कई बच्चों को ये नहीं पता है कि ये तनाव होता क्या है, तो जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसी भी द्रव के मुक्त पृष्ठ को, ठीक है, तरल के मुक्त पृष्ठ को कम करने का प्रयास करता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है, इसी की वजह से बारिश की जो पानी की बूंदे है या जो हवा का बुलबुला है और पानी का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है, उनकी आकृति गोल होती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 × 10⁻¹² सिग्मा स्क्वायर, ये रहा सिग्मा 2.96 × 10⁻¹, सॉरी 2.96 × 10⁻¹, यहाँ पे स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए ये अब करना है आपको सोल्व और ये है आपका होमवर्क। होमवर्क इसलिए क्योंकि आप जो है घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला याद होगा तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे, साथ ही साथ आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एग्जाम में पेपर लेंदी आता है तो आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, तभी आप पूरा पेपर जो है उसको सॉल्व कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। स्टूडेंट्स एग्जाम आंसर फिर भी मैं बता देता हूँ, 0.32 मीटर ये इसका आंसर आने वाला है। जिन बच्चों से सॉल्व होता है वो सॉल्व करे, जिनसे नहीं हो पाता है या जिन्हें प्रॉब्लम आती है कि सर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही आती है, हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, जो भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 है तथा एक निर्गत फ्लक्स जो है वो 800 है। बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश ज्ञात करो। ये आसान सा न्यूमेरिकल है लेकिन मेरे डीआईक्यूपी के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कैसे यहाँ दो दो फ्लक्स है 400 और 800। ये कहना क्या चाह रहा है तो देखो, ये एक बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है। ये लो बंद पृष्ठ, एक गोला है मेरे पास, इसके अंदर 400 फ्लक्स आ रहे हैं और जब ये बाहर देख रहे हैं तो इधर 800 फ्लक्स निकल रहा है, मतलब 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अंदर जा रहा है, 800 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम आपका बाहर आ रहा है। इसका मतलब जो बीच का इनका जो डिफरेंस है 400 और 800 के बीच का कितना अंतर होता है 400। ये कहां से आए? ये आए पृष्ठ के अंदर से। पृष्ठ के अंदर से कहां से है? क्योंकि अंदर कोई आवेश है क्यों? इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ई पैदा हुआ है और विद्युत क्षेत्र की वजह से फ्लक्स आता है। इसका मतलब ये 400 इसने प्रोड्यूस किए। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है किसी भी पृष्ठ से वो उसके अंदर जो उपस्थित आवेश है वो उसमें एप्सिलॉन का भाग देने से मिलता है। अब आवेश तो क्यों है और फ्लक्स कितना है? फ्लक्स 400 है क्योंकि क्यों ने 400 पैदा किया है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 400 × εbq। 400 ε का मान होता है 8.85 × 10^-12 और ये मेरे पास आ गया क्यू। तो देखो दो जीरो यहाँ पर है, 10^2 है, 10^2 और यहाँ -12 है, जोड़ो 10^+2 − 12 ये मिल जाएंगे, बन जाएंगे 10^-10। बड़ी संख्या है ना, उसका चिन्ह लगता है 8.85 को 4 से गुणा करोगे तो देखो 8.85 और बताना मुझे कि आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क इसलिए क्योंकि आप हैंडवर्क ज्यादा करो। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन स्ट्रेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी करवाया है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देना। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र 10 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये आपका गोला है, कोई भी चार्ज गोला मैं चालक मान लेता हूं, इसने बताया नहीं है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 20 सेंटीमीटर है पृष्ठ के बाहर, ये पॉइंट है यहाँ है 10 वोल्ट पर मीटर, ये विद्युत क्षेत्र है। इसी केंद्र से 8 सेंटीमीटर मतलब ये भी पृष्ठ के बाहर चला गया, त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो मैं पहले 1 की बात कर लेता हूँ, मतलब 20 सेंटीमीटर के लिए पृष्ठ के बाहर है, इसका फॉर्मूला आएगा q/4πε√r2। चार्ज जो है वो सेम थे, इस गोले की वजह से 20 पे पता करना है, इस गोले की वजह से 8 पे पता करना है। तो q1 को मैं q लिख देता हूँ, वैसे ही e2 8 सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा q/4πε√r2। स्मॉल r इसलिए क्योंकि पृष्ठ के बाहर स्मॉल r आता है। ठीक है, दोनों का आप डिवाइड देता हूं मैं, तो मेरे पास बच गया q/4πε√r1² q/4πε√r2² q/4πε√r से q/4πε√r कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया e1/e2। r2 का स्क्वायर ऊपर चला गया तो गया r2² या बच गया r1² e1/e2 r2² / r1² e1 की वैल्यू कितनी, मुझे e2 चाहिए, तो e2 हो जाएगा r1² × e1/r2। तो e2 r1 की जो वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूँ 20 और सेंटीमीटर के लिए -2 इस पूरे पे स्क्वायर, r1 का स्क्वायर है ना। e1 वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 वोल्ट पर मीटर, मतलब 10। r2 कितने पता करना है 8 पर, तो 8 × 10^-2 और स्क्वायर सॉल्व करते हैं। e2 = 20 का स्क्वायर 400 होता है, 10^-2 का -4 होता है, यहाँ बचते हैं 10, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 10^-2 का होता है 10^-4, 10^-4 से ये कैंसिल हो गया है 64 400 और ये बताए आप यहाँ पे भाग दे सकते हैं 8 से 8 64 होते हैं, यहाँ 8 × 40 मतलब 50 होते हैं, तो आपके पास कितना हो गया 500/8। 500 में 8 का डिवाइड करते हैं 62.5 आता है, तो 62.5 वोल्ट पर मीटर इसका आंसर आएगा। आप घर पे सॉल्व करना, ये मैं सॉल्व करने करा दिया है, हो सकता है कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, मैं चाहता हूं आप खुद वर्क करो,
वर्ब करने के बाद बताओ कि आंसर सही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हो। सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर 10 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। देखिए ये मैं एक वर्ग दे रखा है इसमें से, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से यहां पर 5 सेंटीमीटर दूरी है, ये यहां पर 10 माइक्रोकूलम है, मुझे विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखो आप दो तरीके अपना सकते हो, एक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ES cos थीटा। आप पहले थीटा पता करो, क्षेत्रफल पता करो इसका, और विद्युत क्षेत्र निकालो इस बिंदु पर, यहां से यहां पर जो आवेश है 10 माइक्रोकूलम जो है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र पता करो, फिर इनको लिखो, फिर आप फ्लक्स निकाल सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा आंसर और बताता हूँ, तरीका एकदम शॉर्ट वाला। देखो मैं ऐसे मान लूं कि ये जो है ये किसी ये जो है किसी स्क्वायर का भाग है, नीचे वाला ये किसी स्क्वायर का भाग है, सॉरी मैं ये मान लू ये किसी घन का ही भाग है। जब ये किसी घन का भाग है तो घन बंद पृष्ठ होता है, और बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसका नियम है। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर है, वैसे तो घन की भुजा 10 सेंटीमीटर आने वाली है, क्योंकि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, वर्गों से घन बनता है, तो ये हो गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 5 सेंटीमीटर मतलब ये केंद्र पे रखा हुआ है। अब देखो ये फॉर्मूला लग तो गया, लेकिन ये पूरे घन के लिए लगा है, मतलब इसके 6 फलक है, 6 वर्गों से मिलकर एक घन बनता है, मतलब 6 जो आपके वर्ग उन सबसे निकलने वाले फ्लक्स का कुल मान आएगा। हमें तो एक वर्ग के लिए चाहिए, तो एक वर्ग के लिए आप 6 का भाग दे देंगे, क्यू का मान हो जाएगा आपके पास 10 माइक्रोकूलम, 6 की जगह 6, और यह आ जाएगा 8.85 × 10^-12। तो स्टूडेंट्स ये सवाल अब आपको करना है, सॉल्यूशन आपको करना है, आप जितना हेल्प करोगे उतना ही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, साथ में मैं आपको इसका कोई कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ अलग से, वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके संधारित्र कैपेसिटर में लगने वाला है, जो पार्ट 4 में या पार्ट 5 में 3 में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर भी, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इससे क्लियर हो सकता है, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ में इस तरीके का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये भी बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये क्षेत्रफल है कि दो धातु प्लेटें इतनी दूरी पर समांतर रूप से व्यवस्थित है, ये दो धातु प्लेटें हैं जो इतनी दूरी पर है, कितनी 0.05 मीटर, इन पर समान किंतु विपरीत आवेश है, विपरीत और समान मतलब एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, वैल्यू समान है, बस पोलैरिटी अलग है, प्लस का है वे माइनस का है। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र यहां पर 55 वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र भी है, आवेशों का मान ज्ञात करना है। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि यदि दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम हो, मतलब बहुत कम, तो मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ दाई साइड बाई साइड और बीच में। तो देखो मान लो प्लेट एक है ये प्लेट दो है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होंगे, ये यहाँ पर दोनों प्लेटों के पास नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है ये पॉइंट, तो देखो ये प्लेट प्लस की है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर रहेगा, तो इवन ये माइनस की प्लेट है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आता है, मतलब अंदर प्लेट के अंदर जाता हुआ, तो E2। मिडिल में बात करते हैं, प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा बाहर की ओर, माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा अंदर की ओर, तो अंदर इस साइड ही तो जाएगा ये अंदर। अब देखो माइनस की बात करते हैं, माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र आता है अंदर की ओर, तो पॉइंट ऑफ क्यू इधर है, तो इधर से अंदर ये E2। प्लस की वजह से बाहर की ओर आता है, तो प्लस इधर है, तो बाहर की ओर यानी इधर, तो विद्युत क्षेत्र इस साइड। देखो यदि दूरी बहुत ना के बराबर हो, बहुत कम हो, पर आवेश बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र लगभग समान होते हैं, हमेशा मानते हैं, तो जब समान होते हैं तो ये देखो दोनों अपोजिट है, तो ये भी जीरो बनाएंगे, ये अपोजिट है तो ये दोनों मिलकर जीरो बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र लगभग समान है, ओनली विद्युत क्षेत्र बच गया यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम मतलब E1 + E2। एक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र जो आने वाला है होता है σ/ε0, तो दूसरे प्लेट की वजह से भी वही आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो हमें आवेश पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो आवेश समान और क्षेत्रफल समान है, मतलब पृष्ठ आवेश तो समान है, सिग्मा समान है, तो दोनों का समान होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया है। कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं कि साइड नहीं लेते, ओनली डायरेक्शन से पता करते हैं कि विद्युत क्षेत्र जुड़ेगा या घटेगा। तो देखो
ये एक बार है, ये एक बार है, मतलब दो बार हो गए, तो दो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, दो से दो कैंसिल हो गए, सिग्मा बच गया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बच गया, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, हमें पता ही नहीं है, तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए, और यह है एप्सिलॉन, ठीक है। हमें क्यू का मान चाहिए तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन बराबर हो गया क्यू, ई का मान है 55, ए का मान है 1 और इसका मान है 8.85 इंटू 10^-12। ये आपके पास कुल आवेश आ गए। तो स्टूडेंट्स अभी आपको सॉल्व करना है, इसके आंसर जो है वो आपका होमवर्क है, यही आपको करना है। तो स्टूडेंट्स ये इस क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट इजी न्यूमेरिकल उनको मैंने नहीं लिया है क्योंकि उन्हें आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल जो बच गए वो जब हम पूरा रिवाइज कर लेंगे एक बार सिलेबस, और जब दोबारा करेंगे तो इन न्यूमेरिकल को छोड़कर फिर उन न्यूमेरिकल पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नया जो टॉपिक होने वाला है, नया चैप्टर चालू होने वाला है, नया टॉपिक आने वाला है, तो स्टूडेंट्स यदि आपने आप बीच में हमारी क्लासें मिस कर रहे हो तो आप मिस मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप जुड़े हुए हैं, तो आपने एक भी क्लास मिस कर दी तो वो स्टेप जो आपकी छूट गई, आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं पहुंच पाओगे। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो जो हमारा पसंद आया तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, साथ में बेल आइकन पर तो क्लिक कर ही देना ताकि आपको जब जब वीडियो अपलोड होता रहे नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।